हेलो गाइस, मेरा नाम नमित कुल है। मैं श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय से एमएससी पॉलिटिकल साइंस कर रहा हूँ और मैं आज प्रेजेंट कर रहा हूँ आपको एक टॉपिक जो कि है हमारा वुंड्स। सबसे पहले हम वुंड्स देख लेते हैं। वुंड्स क्या होता है? जब कोई से भी ह्यूमन फ्लैश या ह्यूमन स्किन या किसी भी एनिमल पे हिट करता है किसी वेपन से या ऑब्जेक्ट से, तो जो भी इंजुरी क्रिएट होती है उसको वुंड बोलते हैं। वुंड को हिंदी में घाव भी बोलते हैं। तो बोन्स अलग अलग टाइप के होते हैं, एक एक टाइप के बोन्स को देख के समझेंगे। सबसे पहला टाइप होता है एब्रेशन। जब सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन जो होती है वो रिमूव होती है किसी इंजरी की वजह से, तो उस बोन को बोलते हैं एब्रेशन। एब्रेशन होता है 2D नेचर, मतलब इसमें डेप्थ नहीं होती है क्योंकि सुपरफिशियल लेयर भी रिमूव हो गई है। इसके बाद एब्रेशन में फील होता है, तो एब्रेशन कोई भी मार्क नहीं छोड़ता, ये विदाउट स्कार फील होता है। तो एब्रेशन के तीन टाइप होते हैं, हम एक एक टाइप समझेंगे। सबसे पहले होता है लीनियर एब्रेशन। अगर स्किन का रिमूवल एक लाइन में सिंगल लाइन में होता है सुपरफिशियल लेयर का, तो उसको लीनियर एब्रेशन बोलेंगे। ये एब्रेशन जनरली नेल स्क्रैच की वजह से आते हैं। इसके बाद आता है पैटर्न एब्रेशन। पैटर्न एब्रेशन अगर मल्टीपल लाइन है, मल्टीपल लीनियर एब्रेशन होते हैं, तो उसको पैटर्न एब्रेशन बोलेंगे। इसके बाद आता है ब्रश एब्रेशन, इसको ब्रश एब्रेशन भी बोलते हैं। ये जैसे किसी आप व्हीकल से जा रहे हैं और आप गिर गए और छिल गए, तो उस टाइम पर ब्रश एब्रेशन आएगा। इसमें कोई लाइंस नहीं आएगी, पर ये ब्रश के मतलब पूरा छिले हुए के फॉर्म में दिखेगा। इसके बाद आता है लैसरेशन। लैसरेशन क्या होता है? जब किसी हार्ड ब्लंट ऑब्जेक्ट से इफेक्ट किया जाता है किसी ह्यूमन स्किन को, ह्यूमन सरफेस पर, एनिमल सरफेस को, तो जो इंजरी होती है फोर्स की वजह से, तो वो लैसरेशन होती है। लैसरेशन जो होती है ये 3D टाइप की इंजरी होती है। 3D मीन्स इसमें लेंथ होता है, डेप्थ वो होता है, विड्थ होता है, ब्रेड्थ होता है और डेप्थ होता है। ठीक है। और इसके बाद लैसरेशन में स्वेलिंग भी आती है। और जो ये है लैसरेशन है, ये करने से आपको जो ऑब्जेक्ट होगा आपका जिसकी वजह से फोर्स लग रही है, तो वो जैसे कोई क्रिकेट बैट हो गया, कोई वुडन रॉड हो गई, वुडन स्टिक हो गई, आयरन रॉड हो गई, या तो फिर जैसे ये डस्टर हो गया, डस्टर से भी अगर आप फोर्स से मारेंगे तो लैसरेशन ही क्या आएगा। इसके बाद होता है इंसिजन। इंसिजन जो होता है ये एकदम शार्प और फाइन ऑब्जेक्ट से जब कट दिया जाता है बॉडी पे, जैसे कि एक शार्प स्वॉर्ड हो गया, शार्प नाइफ हो गया, तो जो इंजरी होती है तो वो इंसिजन होती है। इसमें ये होता है लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, डेप्थ होता है, पर इंसिजन की आप डेप्थ फाइंड आउट नहीं कर सकते। रीजन ये कि आप जितना उसको ओपन करेंगे उतनी उसकी डेप्थ बढ़ सकती है। इसके बाद आता है कंट्यूशन। कंट्यूशन जो होता है इसमें ब्लड क्लॉट हो जाता है एक पर्टिकुलर एरिया में इंजरी की वजह से, जैसे गिरने की वजह से या किसी भी रीजन से ब्लड क्लॉट हो जाता है। और ये ब्लड जो होता है ये पहले रेड कलर का क्लॉट होगा, फिर ब्लू होगा, फिर फाइनली हील होते टाइम रेड होता है। इसके बाद फिफ्थ आता है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन में जब कोई भी वेपन किसी सरफेस को पेनिट्रेट करता है, मतलब छेद देता है, तो वो इंजरी जो होती है वो पेनिट्रेशन होती है। ये पेनिट्रेशन में जो ऑब्जेक्ट होगा आपका वेपन होगा, तो ये शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट होगा, इसकी जो पॉइंट होगी ये शार्प होगी और ये उस वजह से फोर्स की वजह से ये अंदर घुस जाएगा। पर इसमें आपको एक एंट्री वुंड मिलेगा, पर एग्जिट वुंड डिफरेंट नहीं मिलेगा, जहाँ से आया है वेपन वहीं से बाहर निकलेगा। इसके बाद लास्ट है परफोरेशन। परफोरेशन में आपको एक एंट्री पॉइंट मिलेगा, एक एग्जिट पॉइंट अलग से मिलेगा, मतलब ये आर्क पार जाता है और ये हॉलो कैविटी क्रिएट कर देता है बॉडी पर। और पेनिट्रेशन और परफोरेशन में सेम टाइप के वेपन यूज करते हैं। तो ये है हमारी लॉकी जिसमें हमने वुंड्स क्रिएट कर रहे हैं। तो एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले जो ये वुंड है इसको बोलते हैं लीनियर एब्रेशन। ये हमने क्रिएट करा था एक नेल की मदद से, नाखून की मदद से। तो ये एक लाइन में है जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये कंटिन्यूएशन में है, इसकी लेंथ है और ब्रेथ है। ठीक है। इसके बाद है पैटर्न एब्रेशन। इसमें ये मल्टीपल नेल्स की वजह से पैटर्न बना है, एक लीनियर पैटर्न, तो इसको पैटर्न एब्रेशन बोलेंगे। इसके बाद है ब्रूस एब्रेशन या ग्रेज्ड एब्रेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाला जो एब्रेशन है इसमें कोई लाइंस, पर्टिकुलर लाइंस नहीं है, और ये पूरा छिला हुआ है। इसमें सुपरफिशियल लेयर जो स्किन की है वो पूरी अलग निकल गई है। ये भी हील हो जाएगा, पर इसमें कोई भी स्कार नहीं होगा और ये कम्प्लीटली हील होगा विदाउट स्कार। इसके बाद जो ये वाला वुंड है ये है आपका इंसिस्ड वुंड। ये इंसिस्ड वुंड क्रिएट करा था मैंने एक शार्प नाइफ की मदद से। और इसके बाद है ये लैसरेटेड वुंड्स। जैसे कि लैसरेटेड वुंड मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा। लैसरेटेड वुंड में आप देख सकते हैं ये जो स्किन है, अगर इसको हम अज्यूम करें एक स्किन जैसा, तो इसने साथ में रहने पे गिव अप कर दिया है। इसके बाद इसके पास लेंथ है
ब्रेथ है और इसके बाद डेप्थ भी है लैसरेटेड वूंड्स में। इसके बाद जो फोर्थ नंबर पे है, तो ये भी एक टाइप का लैसरेटेड वूंड है, मैंने क्रिएट करा था, जो चिमटा होता है उससे मल्टीपल स्ट्राइक करे थे और लैसरेटेड वूंड क्रिएट करा था, इसको चॉप वूंड भी बोलते हैं, जिसमें मल्टीपल स्ट्राइक किए जाते हैं, हार्ड ऑब्जेक्ट्स हैं। इसके बाद जो फिफ्थ नंबर का वूंड है हमारा, तो ये पेनिट्रेटेड वूंड है, जैसा कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, इसमें एंट्री पॉइंट है पर एग्जिट पॉइंट कहीं नहीं है, तो ये पेनिट्रेटेड वूंड है। इसके बाद जो सिक्स्थ नंबर का वूंड है, तो ये है हमारा परफोरेटेड वूंड, जैसा कि आप देख सकते हैं इसके आर पार पूरा गया है। ये दो फिफ्थ और सिक्स्थ नंबर के जो वूंड्स हैं मैंने क्रिएट करा था एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और इससे कुछ सीखने के लिए मिला होगा, तो लास्ट तक देखने के लिए।